इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, उसी को हम पिछले लेक्चर में हमने यूनिक फीचर ऑफ आर्चिगोनिएट लिया था, उसी वो लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया था। उसके जो संभावित क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल दिए थे, इसको मैं आगे बढ़ाते हुए उसी के आगे बढ़ रहा हूँ। अब अकॉर्डिंग टू योर एनईपी सिलेबस, अगला जो सिलेबस में जो आ रहा है कि ब्रायोफाइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये आपका अगला है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, उसी सीक्वेंस में हम ले रहे हैं। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर होगा। अब इसमें देखिएगा जरा, इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर से हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश करेंगे, चाहे आप हेडिंग बना ले या फिर उसको जो है एक पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हैं। ब्रायोफाइट्स जैसे आपने जनरल कैरेक्टर डाला हो तो एक पैराग्राफ, इसके बाद फिर पॉइंट वाइज आप लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक रेज करेंगे। तो देखिए जरा, सबसे पहली चीज कि हम क्या होता है कि जैसे हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, हमसे सपोज अगर कोई डेफिनेशन पूछ देते हैं तो हमें मालूम नहीं होती है, तो फिर उस समय हम परेशान होते हैं। ब्रायोफाइट्स हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम रिक्सिया के बारे में जानते हैं, मार्केंसिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन पता लगा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि परिभाषा क्या है, तो उस समय हम अपने आप को जो है सो नहीं कर पाते। तो देखिए जरा, जैसे अगर हमसे कोई कहता है कि मान लीजिए फंजाई की परिभाषा क्या है, तो हम तपाक से उत्तर दे सकते हैं, फंजाई आर ए क्लोरोफिलस स्पोर बेरिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच वी कैन से। सबसे पहले क्या है इसका इंट्रो, इंट्रो में ही हम डेफिनेशन एक छोटी सी निकाल के दे देंगे ताकि आपको प्रॉब्लम रहे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, देखिए जरा कि सबसे पहली चीज ब्रायोफाइटा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है सब, किस भाषा का है आपका, ग्रीक भाषा का, ठीक है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रायोन प्लस फाइटोन, और ब्रायोन का मतलब है आपका मॉस और फाइटोन का है आपका प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ब्रायोफाइटा शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ये जो है आपका ब्रायोन प्लस ब्रायोन एंड फाइटोन, ब्रायोन बराबर मॉस और फाइटोन बराबर प्लांट। और इसकी डेफिनेशन जो निकल के आ रही है कि ये जो है आपका ब्रायोफाइटा जो है आपके सबसे सिंपल एंड प्रिमिटिव नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स प्लांट्स का ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहली चीज इसकी डेफिनेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, ठीक है। अब वैस्कुलर सिस्टम में आप लोग जानते हैं क्या क्या चीजें आती हैं आपके, कि जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, ये सब इसमें क्या होते हैं आपके, एब्सेंट, ठीक है। तो यानी कि वैस्कुलर होता तो ये सब चीजें होती, ये कैसा है आपका नॉन वैस्कुलर, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में क्या हो गया कि ब्रायोफाइट सबसे सिंपल एंड प्रिमिटिव प्लांट्स का समूह है और ये जो है आपका नॉन वैस्कुलर ब्रायोफाइट्स आर नॉन वैस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स, ठीक है। और प्लांट किंगडम में इन्हें कहां कहां रखा गया है, इन्हें थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के मध्य में जो है रखा गया है। हमने ऐसे ही फिगर चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइटा के लगभग 960 जेनरा एंड 24,000 स्पीसीज है। ये हमारा इंट्रो का पहला पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा, इसी को हम आगे और बढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन को इसको हम रब कर रहे हैं। तो इसके आगे देखिए जरा कि ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स हैं वो जो है आपके एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल दोनों प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल, TERRESTRIAL, एक्वेटिक माने क्या हुआ आपका जलीय, और ये क्या हुआ टेरिस्ट्रियल माने क्या हुआ आपका स्थलीय, ठीक है। दोनों प्रकार के क्या है आपके हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप तो इस कारण मतलब ये दोनों प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी कि जल में भी पाए जा रहे हैं और कहां पाए जा रहे हैं आपके स्थल में, इस कारण इनको एक नाम दिया गया है आपका प्लांट एम्फीबियन। क्या नाम दिया गया, प्लांट एम्फीबियन, ठीक है। अब जैसे आप लोग AMPHIBIANS, ठीक है, कंपटीशन में कभी कभी सवाल आता है कि कौन सी वनस्पतियां जो है आपके प्लांट एम्फीबियन के नाम से जानी जाती है, तो उसमें जैसे चार ऑप्शन दे दिए तो उसमें आप ब्रायोफाइट्स के साथ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जरा, आप लोगों ने एक एम्फीबिया
क्लास का एक जंतु सुना होगा मेढक, वो फटाक से पानी में चला जाता है, फटाक से कहां आ जाता है आपका जमीन में। तो उस कैरेक्टर को हम इससे मर्ज करते हैं तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। यही सिचुएशन होती है हमारे हमारे ब्रायोफाइट्स में। हम लोग यार कोई चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अगर हम ब्रायोफाइट्स के बारे में देखते हैं, इसका हैबिटेट बराबर मेढक, इस तरीके से अगर हम पढ़े तो यानी मेढक फटाक से जल में गया और कहां गया आपका पानी में, जल बराबर हो गया एक्वेटिक हैबिटेट, और टेरिस्ट्रियल माने क्या हो गया जमीन पे आ गया, स्थल में आ गया, तो बराबर क्या हो गया आपका ब्रायोफाइट है। तो इस तरीके से हम परिभाषा बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं, ठीक। या हम जो प्लांट एम्फीबियन वाली बात है कभी हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी। तो क्या है आपके ब्रायोफाइट्स, प्लांट जो है आपके एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल दोनों प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं, इस कारण इन्हें प्लांट एम्फीबियन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसकी एक फेमस स्पीसीज है रिक्सिया। ब्रायोफाइट्स में एक आपका जेनरा है आपका रिक्सिया, ठीक है, रिक्सिया फ्लूटेंस, एक यहाँ पे देना पड़ेगा आपको रिक्सिया फ्लूटेंस। ये एक फेमस जो है आपके एक्वेटिक स्पीसीज है। कैसी स्पीसीज है आपकी? एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या हुआ आपका? जलीय जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपके इसके कुछ प्लांट एपीफाइट्स हैं, कुछ सेप्रोफाइट्स हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो जो है आपका ब्रायोफाइट्स के बारे में लगभग 5-6 लाइन का तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा हमारा अब जो असली टॉपिक जो आता है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। हमने यहाँ हेडिंग डाल दी, इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ये हेडिंग डाल दें, ये पैराग्राफ, ठीक है। उसमें सबसे पहले ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ब्रायो आपके ग्रीक भाषा का शब्द था ब्रायोन प्लस फाइटोन, ठीक है। इसका मतलब मॉस हुआ, उसका क्या हुआ आपका प्लांट, ठीक है। और दूसरी बात आपको बताई थी इसको कहाँ कहाँ रखा गया, थैलोफाइटा एंड टाइटोफाइटा के मध्य में रखा गया। डेफिनेशन में एक शब्द निकाला था आपका, ये नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स है, ठीक है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स का एक सिंपल एंड प्रिमिटिव प्लांट का ग्रुप है, ठीक है। और इन्हें प्लांट एम्फीबियन कहा जाता है क्योंकि ये वनस्पतियां या ब्रायोफाइट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक दोनों प्रकार के हैबिटेट में पाई जाती है, ठीक है। रिक्सिया फ्लूटेंस एक इसकी फेमस जो है आपके एक्वेटिक स्पीसीज है। इसके अलावा इसकी स्पीसीज कौन कौन सी आपकी, कुछ ब्रायोफाइट्स एपीफाइट्स भी है और कुछ जो है आपके सेप्रोफाइट्स है, ठीक है। और इंडिया में जो है आपका ये जो ब्रायोफाइट्स अबाउंडेंटली पाया जाता है हिमालयन रीजन में और नीलगिर की पहाड़ियों पर। इसके अलावा जो है आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में मिलता है। ये हमारा इंट्रो पैरा पूरा कंप्लीटली फुल एंड फाइनल तैयार हो गया। अब देखिए जरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, देखिए बच्चों इसको हम रब कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए जरा वही पहले हमने हेडिंग डाला हुआ है कि ब्रायोफाइट्स के इम्पोर्टेंट जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है निम्न प्रकार है, ठीक है। सबसे पहले अब बच्चों सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि ब्रायोफाइटा है जो हमारा, इसके मतलब ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में दो फेजेस स्पष्ट रूप से पाई जाती है। नंबर पहली फेज है आपकी गैमेटोफाइटिंग, ठीक है, फेज लिखते हैं या स्टेज, गैमेटोफाइट PHYTIC गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइट स्पोरोफाइटिक। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइटिक फेज एंड स्पोरोफाइटिक फेज पाई जाती है और बोथ स्टेजेस आर हेटरोमॉर्फिक। कैसी है आपकी? हेटरोमॉर्फिक। होमो माने क्या हुआ? एक रूपी, और हेट्रो माने अलग अलग, मतलब जो है आपका विषम रूपी है दोनों, ठीक है। और दूसरी चीज का है कि अब देखिए जरा हमको बहुत ज्यादा याद नहीं करना, हमको समझ के केवल प्रिपेयर करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आया कि ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल में दो फेजेस पाए जाते हैं, कौन कौन से? गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक, और बोथ स्पेसेस बोथ जो है फेजेस कैसी है आपकी? हेटरोमॉर्फिक। नंबर दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दो नाम हमने लिखे हैं, गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइट। इसको हम हिंदी में ज्यादा नहीं जाएंगे, भले ही हम पहली बार आपको बताए देते हैं। सबसे पहला है आपका युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद, युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद, ठीक है। लेकिन आप लोग गैमेटोफाइटिक बीजाणुद्भिद, ठीक है, लेकिन आप लोग अंग्रेजी में ही याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, हमने दो फेजेस लिखे हैं, देखिए अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर हम तैयार करके चलेंगे तो फिर भले शब्द इधर उधर हो जाए लेकिन हम लिख बहुत आसानी से देंगे।
दूसरी बात बोली है कि ये दो फेजेज आपको बोले हैं, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। इनमें बच्चों जो पहली वाली फेज है ये जो है आपकी डोमिनेंट है। कैसी? आपकी डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? आपका प्रभावी है, क्योंकि जो दूसरी वाली फेज है स्पोरोफाइटिक वो पूर्णतया या आंशिक रूप से इसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा और सबसे बेहतर पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नंबर तीसरा पॉइंट आया कि इसमें जो है आपके कि जो स्ट्रक्चरली जो है आपका जो इसका गैमेटोफाइट है मच डिफरेंटिएटेड, मतलब जो है कैसा होता है आपका मच डिफरेंटिएटेड कंपैरिजन टू एल्गी, मतलब इसका जो गैमेटोफाइट है वो एल्गी के कंपैरिजन में मच डिफरेंटिएटेड होता है। ठीक है, और इसके बाद आया कि जो है आपका रिक्सिया मार्केंसिया एटसेट्रा में, ये ब्रायोफाइट्स हैं आपके रिक्सिया एंड मार्केंसिया मार्केंसिया में क्या होता है जो इसका थैलस है, प्लांट बॉडी बराबर थैलस, थैलस होता है आपका प्रोस्टेट। कैसा होता है आपका प्रोस्टेट? प्रोस्टेट को हम कहते हैं आपका सयान। ठीक है, प्रोस्टेट और जो है आपका एंड थैलोइड। ठीक है, प्रोस्टेट एंड थैलोइड। और इसके बाद जो है ये सबस्टेटम के द्वारा ये जो है आपके राइजोइड के द्वारा सबस्टेटम से अटैच रहता है। तो ये मेरा जो आज हमने केवल आपको दो ही तीन चार करेक्टर लिए हैं, इसको हम अगले कंटेंट में आगे बढ़ाएंगे, आज हम इसको यहीं पे आपका रोकेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।